देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 10 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको आप खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 15 लाख रुपीज। अगर आपको भी 2022 में एक अच्छे एसयूवी कार लेनी है लेकिन आपका बजट है 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में और आप कंफ्यूज हो किस कार के साथ जाए, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने उन 10 एसयूवी कारों को इंक्लूड किया है जिनके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। इन एसयूवी कारों के अंदर आपको फीचर्स भी तगड़े लेवल के मिल जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन कारों के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं वो कौन सी 10 एसयूवी कार है जो कि आप 2022 में खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 15 लाख रुपीज। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहली कार आती है जिसको आप परचेस कर सकते हो वो है एमजी की एस्टर। एमजी एस्टर एक मिड साइज एसयूवी कार है। इसका इंटीरियर भी बढ़िया है, लुक भी बढ़िया है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एमजी कंपनी ने इस कार के बेस मॉडल से ही काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स को इंक्लूड किया है। अगर आप इसका बेस मॉडल भी खरीद लेते हो तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, क्योंकि इसका बेस मॉडल भी काफी लाजवाब है। इसके बेस मॉडल के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। हालांकि आज के डेट में एमजी एस्टर के अंदर 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं और ये कार लगभग 9 से लेकर 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। इस कार के अंदर आपको माइलेज स्लाइडली कम मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर कार, लेकिन अगर फीचर्स की बात करूं तो ये कार आगे निकल जाती है बाकी कारों के मुकाबले। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार के अंदर एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी जाती है। 15 लाख रुपए के बजट में आप एमजी एस्टर का सुपर वेरियंट परचेस कर सकते हो जो की आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और इस वेरियंट को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,20,000 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इसके सीवीटी गियरबॉक्स के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि सेम वेरिएंट के अंदर आपको सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 15,85,000 रुपीज। ये भी ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले सीवीटी गियरबॉक्स के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि सेम वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा और सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइसिंग के अंदर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड नंबर की कार आती है जिनमें से एक कार के साथ आप जा सकते हैं वो है टोयोटा की हाईराइडर और दूसरी है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। कल ही टोयोटा हाईराइडर के प्राइसेस रिवील हो चुके हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में से आप एक कार को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनली मुझे टोयोटा हाईराइडर का एक्सटीरियर लुक और इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि दोनों ही कारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है। दोनों ही कारों के अंदर आपको सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा, फीचर्स भी लगभग आपको सेम मिलने वाले हैं, लेकिन दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में आपको डिजाइन पैटर्न का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यानी दोनों ही कारों का एक्सटीरियर डिजाइन आपको अलग देखने को मिल जाएगा, इंटीरियर का डिजाइन भी कंप्लीटली डिफरेंट रखा है दोनों ही कारों का। लेकिन इंटीरियर में आपको बहुत सारे फीचर्स कॉमन ही देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है माइलेज। दोनों ही कारों का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल लगभग 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगा और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ दोनों ही कारें लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली है। कल टोयोटा कंपनी ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल्स की प्राइसेस रिवील कर दिए हैं इंडियन मार्केट में। हालांकि माइल्ड हाइब्रिड के प्राइसेस आने बाकी है। यहां पर 4 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे टोयोटा हाईराइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ, और यहां पर कीमत स्टार्ट होती है 15,11,000 रुपीज से और टॉप मॉडल 17.9 लाख रुपीज तक चला जाता है। यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की कीमत थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इन कारों के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया हुआ है। यहां पर थोड़े से ज्यादा इक्विपमेंट लगे हैं जिनकी मदद से आपको माइलेज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर 15 लाख के बजट में आपको 28 का माइलेज मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी बात है। लेकिन यहां पर विटारा की प्राइसिंग आनी बाकी है। जैसे ही विटारा की प्राइसिंग आ जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है माइल्ड हाइब्रिड मॉडल की, वो लगभग 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। यानी जो नॉर्मल वेरिएंट रहेगा हाई राइडर का और ग्रैंड विटारा का, उनकी कीमत 10-10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की कार आती है जिनमें से आप एक को पिक कर सकते हैं वो है हुंडई की क्रेटा और दूसरी है किया की सेल्टोस। दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। शायद इस साल के एंड तक क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है और अगले साल के स्टार्टिंग में सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। लेकिन उन दोनों ही मॉडल्स को इंडिया में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, तो यहाँ पर आप करंट मॉडल के साथ भी जा सकते हो। हुंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। हालांकि माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हुंडई क्रेटा का आप SIMT मॉडल परचेज कर सकते हो। पेट्रोल
इंजन के साथ। और इस पेट्रोल इंजन वाले मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 15,10,000 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, आपके सिटी के हिसाब से ये ऑन रोड प्राइस ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर आपको क्रेटा के अंदर डीजल इंजन चाहिए तो 15 लाख के बजट में आप इसका ईएक्स मॉडल परचेस कर सकते हो। और इस डीजल मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,71,000 रुपीज। किया सेल्टॉस के आप पेट्रोल इंजन के साथ HETK प्लस मॉडल खरीद सकते हो और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,90,000 रुपीज। हालांकि इसके IMT मॉडल की कीमत 15,36,000 रुपीज तक चले जाती है, यानी IMT मॉडल को लेने के लिए आपको 15 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सेल्टॉस की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी अगर आप इसके प्राइस को क्रेटा के प्राइस के साथ कंपेयर करोगे। लेकिन सेल्टॉस का जो डीजल मॉडल है HETK, इसकी कीमत 15.20 लाख रुपीज आपको देनी पड़ेगी, यानी 15 लाख रुपए के ऊपर आपको देने पड़ेंगे अगर आपको सेल्टॉस के अंदर डीजल इंजन लेना है। डीजल इंजन वाला मॉडल लेने की सोच रहे हो तो वहां पर आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और शायद आपको फीचर्स कम मिल जाए एज कम्पेयर टू पेट्रोल वाला मॉडल। लेकिन जो 6th और 7th नंबर की कार आती है, जो कि आज के डेट में पूरे इंडिया में तबाही सी मचा रही है, वो है स्कॉर्पियो N और दूसरी है स्कॉर्पियो क्लासिक। रिसेंटली स्कॉर्पियो N को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था, उसके बाद क्लासिक मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। दोनों ही कारें जबरदस्त है, लेकिन पर्सनली मुझे स्कॉर्पियो N बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसका एक्सटीरियर लुक आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने स्कॉर्पियो N को ट्रोल कर दिया था इसका रियर का फेशिया देखकर, लेकिन जब आप इस कार को इन रियलिटी देखोगे, यानी आंखों से देखोगे, तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो N आपको पसंद आने वाली है। इसका फ्रंट का फेशिया भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और स्कॉर्पियो N रियर से देखने में काफी बढ़िया लगती है। इसका इंटीरियर भी आपको काफी प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो क्लासिक मॉडल है वो आपको प्रीवियस मॉडल जैसा ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसको वैसा ही रखा गया है और जो प्रीवियस मॉडल था उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। तो महिंद्रा कंपनी ने यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से खेल खेला है, प्रीवियस मॉडल को ही अपडेट कर क्लासिक मॉडल के तौर पर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। लेकिन 15 लाख रुपए के बजट में आप क्लासिक का S मॉडल परचेस कर सकते हो, जो कि है बेस मॉडल, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,54,000 रुपीज। तो यहाँ पर 15 लाख रुपए के बजट में आप स्कॉर्पियो N का बेस मॉडल खरीद सकते हो और यहाँ पर डेफिनेटली आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि ये कार काफी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको स्कॉर्पियो N पसंद आ गई है, आपको स्कॉर्पियो N को लेना है, तो आपको लेना पड़ेगा Z2 मॉडल। हालांकि स्कॉर्पियो N के अंदर आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाएगा। पेट्रोल मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 14.30 लाख रुपीज, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है Z2 की। लेकिन अगर आपको डीजल मॉडल लेना है स्कॉर्पियो N का, तो आपको देने पड़ेंगे 15,14,000 रुपीज। तो यहाँ पर दोनों ही कारों की ऑन रोड प्राइसेस मैंने आपको बताई है। अगर आप बेस मॉडल भी ले लेते हो दोनों ही कारों का और आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करते हो, तो डेफिनेटली दोनों ही कारें जबरदस्त लगने वाली है, क्योंकि दोनों ही कारों का रोड प्रेजेंस काफी जबरदस्त है। भाई मुझे तो दोनों ही कारें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशली मैं स्कॉर्पियो N के साथ जाना चाहूंगा। लेकिन जो 8 और 9 नंबर की कार आती है, जिनमें से आप एक को पिक कर सकते हैं, वो है स्कोडा की कुशक और दूसरी है फोक्सवैगन की टाइगून। दोनों ही कारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है। दोनों ही कारों के अंदर आपको लगभग सेम फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर डिजाइन चेंज है, लेकिन फीचर्स आपको लगभग सेम मिलेंगे। यहाँ पर 15 लाख के बजट में आप स्कोडा कुशक का टॉप सेलिंग मॉडल परचेस कर सकते हो, जो कि है एम्बिशन क्लासिक। और इस मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,98,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पर टाइगून का 15 लाख के अंदर आपको बेस मॉडल ही लेना पड़ेगा, जो कि है कम्फर्ट लाइन। और टाइगून के इस मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 13,52,000 रुपीज, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप सेकंड बेस वेरिएंट के साथ जा सकते हो, जो कि है हाईलाइन। और इस हाईलाइन मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 15,87,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपको टाइगून की कीमत थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी अगर आप इसके प्राइस को स्कोडा कुशक के प्राइस के साथ कंपेयर करोगे। तो यहाँ पर दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, तो बहुत सारे फीचर्स आपको कॉमन ही देखने को मिल जाएंगे। मुझे पर्सनली टाइगून का इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन टाइगून को लेने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। इंजन स्पेसिफिकेशन माइलेज दोनों ही कारों के अंदर आपको लगभग सेम मिलने वाला है, उसके अंदर इतना भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं 10th नंबर की कारों की बात करूं, तो यहाँ पर आप किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के साथ जा सकते हो। यहाँ पर 10th नंबर पर मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों को रखा है। आज के डेट में इंडिया में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी बिक रही है, इनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि आपके लिए टाटा नेक्सॉन एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, जिसके अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, लुक भी बढ़िया है इस कार का और ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। नेक्सॉन के अलावा आप किया सोनेट को पिक कर सकते हैं, हुंडई की वेन्यू भी है, इसके अलावा आप ब्रेजा को कंसिडर कर सकते हैं, काइगर भी है। तो इन कारों में से एक कार को आप पिक कर सकते हैं अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है। तो यहाँ पर इन कारों का आपको अच्छा खासा मॉडल मिल जाएगा, आपको फीचर्स भी तगड़े मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टॉप मॉडल भी मिल सकता है कुछ कारों का 15 लाख रुपए के अंदर। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी कार नहीं लेनी है, आपको
मिड साइज एसयूवी कार लेनी है यानी आपको बड़ी कार चाहिए तो आप किसी भी मिड साइज एसयूवी कार को पिक कर सकते हैं या फिर सिंपली आपके लिए स्कॉर्पियो एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। तो इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।